नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश। पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे के अगले एपिसोड में शिक्षा पर चर्चा करना चाहूंगा। हर छात्र छात्र जीवन में शिक्षा एक ही लालसा से करता है कि जब मैं पढ़ूंगा तो आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ूंगा तो इसी शिक्षा के दम पर मैं अपने पैरों में खड़ा होऊंगा, नौकरी पाऊंगा। इसी पर यह कहानी है कि एक व्यक्ति अपनी शिक्षा प्राप्त करके जब शिक्षित हुआ तो नौकरी की तलाश में चल पड़ा, और जब उसको नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसे लगा कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सजेशन लेते हैं, राय लेते हैं कि नौकरी कैसे पाऊं। अब वो आचार्य विनोबा भावे जी के पास गया। भावे जी से बोलते हैं, भावे जी हमें नौकरी दिलवा दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप चाह लेंगे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो भावे जी ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो आओ। पहले ये तो बताओ, अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी है, कहाँ तक है, क्या क्या आता है, तब तो फिर हम बताएं कि आपके लिए किस तरह की नौकरी हम दिलवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला, ये बताओ तुमको आता क्या है। तो उसने बोला, मुझे बीए आता है। बोले, अच्छा बीए आता है। बोले, नहीं मैं ये नहीं पूछना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमको आता क्या है जिसके कारण तुम कहीं पर जाकर काम करोगे। तो उसने बोला, हमको बीए आता है। बोले, ये तो मैं समझ गया कि तुमको बीए आता है, बीए तुमने किया है, लेकिन काम सीखने के लिए काम तो आता होगा ना। बोले, मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ मुझको बीए आता है। तो भावे जी थक गए, परेशान हो गए, वो समझ गए कि ये सुलझने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला, ये बताओ बेटा कि क्या तुमको टाइपिंग आती है। उसने बोला, नहीं मुझे टाइपिंग तो नहीं आती। फिर बोले, तुमको ये बताओ आता क्या है। उसने बोला, मुझे बीए आता है। फिर अगली कड़ी में फिर उससे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ, लेटर ड्राफ्टिंग कर लेते हो, भाषाई ज्ञान अच्छी है। तो उसने बोला, ये तो नहीं है। फिर बोले, ये बताओ तुमको आता क्या है। तो उसने बोला, बीए आता है। तो अंत में भावे जी ने बोला कि बेटा, डिग्री से कुछ नहीं होता, अगर आपको कुछ आता नहीं है ना तो फिर आपको कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो मैं हर बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि आप एजुकेशन के साथ साथ स्किलफुल होइए, क्योंकि स्किल ऐसी चीज है कि ताउम्र आपके साथ रहती है। जैसे एक मछली तैरना सीख गई तो नहीं भूलती है ना, तो आपने अगर स्किल एजुकेशन के साथ साथ पाई है ना, या आपने अपने एजुकेशन में स्किल को स्थान दिया है ना, तो फिर आपको नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, नौकरी आपको ढूंढ लेगी। धन्यवाद।